Wildlife Department. Wildlife Department. Wildlife Department. इंफॉर्मेशन हमारी सबमिट करो, सबमिट करो, सबमिट करो। इंफॉर्मेशन हमारी सबमिट करो, सबमिट करो, सबमिट करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। मंजूर अहमद बाट है, मैं वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये 20 जून से हमने ये स्ट्राइक काल दी थी और प्लस प्रोटेस्ट काम चल रहा था। हम कोई भी किसी भी डिवीजन में कश्मीर प्रोविंस में कोई ड्यूटी पर नहीं जाता है, क्योंकि इन्होंने एक सिटी में हमें जानबूझ के समेट लिया जिसका नाम है कैंपा सिक्किम, जबकि हम चाहते हैं कि आउटसोर्स 364 नान प्लान के तहत हमें तनख्वाह मिले। तो जब भी ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इंफॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ वार्डन को करती है, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन हमें ये सीजनल ओब्लिक कैजुअल ओब्लिक नीड बेस लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला होता है, चाहे जंगलों में आग लग जाता है, कोई भी काम जो होता है वो कैजुअल लेबर करता है, जबकि डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है। यही कैजुअल लेबर फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ये बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा कैजुअल लेबर, मैं सीजनल इसमें लिखूंगा। मगर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। हम ये चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर में 754 कैजुअल लेबर्स है, यहाँ तो हमें डिसंगेज किया जाए एक ही बार, और इतनी जो 20 सालों की लेबलिटी है वो हमें दे दी है, और हम ये काम आज से नहीं करेंगे तब तक जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होगा। फिफ्थ पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन हमने लागू कराया, सेवन पे कमीशन लागू कराया, और 1994 के बाद से पहले 70,000 डेली वेजेज रेगुलाइजेशन किया, और हम 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले हैं। हमने सबसे मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये आर्जी मुलाजम जो पिछले 20 और 30 साल से चक्की में पीसा जा रहा है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरह 1994 में एक पॉलिसी बनी थी इनकी रेगुलाइजेशन करने। और ख़ास करके मैं वर्ल्ड लाइफ की बात करूँ, ये भी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट को, वो गलत इंफॉर्मेशन जाती है। ये कैजुअल लेबर जब इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है, कैजुअल लेबल ओब्लिक नीड बेसिस सीजनल लेबल, मुझे ये बताओ सीजनल लेबल और कैजुअल लेबल जो उसका नीड बेसिस का मतलब होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ उनको निकालना और उसके बाद टर्मिनेट करना। ये तो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, चाहे साल में इनको 3 बार सैलरी करती है मिलती है, लेकिन काम तो कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कम से कम यहाँ ये जो डीडीओ हैं ये सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानी चाहिए ताकि इन्हें हल होंगे। तो हम ये अपील करते हैं यहाँ की एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ सेक्रेटरी से कि इमीडिएटली इनका इशू रिजॉल्व किया जाए। तो हम तो कहते हैं अगर सरकार नहीं करती शायद आगे आने वाला हो सकता है। शुक्रिया।